बुकन के अलग अलग तरीके के प्रकार। अगर चौरस है, ये चौरस है फर्स्ट, चौरस शुभ धनदायक एवं पुष्टिवर्धक, ठीक है, ज्यादा लंबाई में आ गया, ज्यादा लंबाई में हो गया, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा लंबाई में हो गया तो धनदायक एवं पुष्टिवर्धक, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, लेकिन ज्यादा लंबाई वाला प्लॉट अच्छा नहीं होता। ये मैंने आपको उस दिन बताया था जब कैलकुलेशंस करी थी, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन नेगेटिव होती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। समीकरण वाला जो प्लॉट होता है, जो पूरा स्क्वायर होता है, दैट इज गुड, शुभ होता है। एक ये अंडाकार नहीं है, एक गोल है, क्योंकि स्लाइड थोड़ी फैल गई है, दिस इज गोल नॉट अंडाकार। गोल प्लॉट होता है, शुभ मार्ग क्या है, छह मुखी, हमने उस दिन भी देखा था, छह मुखी अरिष्ट नायक वह एवं शुभ प्लॉट बना गया, देखा था, ठीक है। और उसके बाद सात मुखी जो है, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, सात मुखी जो है प्लॉट वो मुसीबत दायक बताया गया। सात मुखी प्लॉट इज नॉट गुड, इट बीन कंसिडर एज द मुसीबत दायक। ट्राइंगल इज नॉट गुड, ऐसा प्लॉट जिसका चोच निकली हो ट्राइंगल की तरह से, दिस प्लॉट इज नॉट गुड, ऐसे प्लॉट को काट देना चाहिए। अच्छा एक विधि बताता हूँ, मान लो ट्राइंगल प्लॉट किसी के पास आ गया, इसी क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हो। ट्राइंगल प्लॉट अगर आ गया, तो अगर ट्राइंगल प्लॉट आ जाए तो इसको कटिंग कर दो, ठीक है, और कटिंग कर दो, और मारुति यंत्र जो है ना, ये मारुति यंत्र यहाँ पे जो है इसको ऐसे लगा दो, मतलब यहाँ पे दबा दो मारुति यंत्र, एक दो तीन, जो कॉर्नर कटे ना उन कॉर्नर में मारुति यंत्र को दबा दो, मारुति यंत्र को दबा दो इससे। ये एक रेमेडियल पार्ट था इसका, तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक। दो जुड़े हुए प्लॉट, जब लोग दो जुड़े हुए प्लॉट बना लेते हैं, दिस प्लॉट इज नॉट कंसिडर गुड, ये अशुभ हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर दो ट्राइंगल मिला के ऐसे जोड़ के प्लॉट बनते हैं, तो नॉट कंसिडर गुड, ये अच्छे नहीं माने जाते, ठीक। इसी तरीके से ये जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट बनाए गए, ये जैसे चमचा टी शेप बनाया गया, टी शेप का कष्ट, ये भी निश्चित फलदायक माना गया। तो अगर आप देखो इसमें मोटे तौर पे जो प्लॉट ठीक से माने जाते हैं ना, मोटी बात ये कि हमेशा प्लॉट जो है एक तरीके का ही कोई प्लॉट हो तो ही वो ठीक से माना जाता है, कोई अच्छा सा प्लॉट हो इस टाइप के, कोई प्रॉपर प्लॉट हो, ये ठीक से प्लॉट माने जाते हैं। बाकी जो टेढ़े मेढ़े आ रहे थे प्लॉट होते हैं, सब में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है, कुछ ना कुछ तरीके का कुछ और प्लॉट ये टेढ़े मेढ़े से। अगर कोई प्लॉट अगर ये जो थोड़े ट्रायंगल शेप के अंदर एक साइड से बड़े हुए हैं, ये अगर वायव्य कोण बढ़ गया तो वायव्य कोण बड़ा हुआ अशुभ माना जाता है। अग्रणी कोण बढ़ गया तो ये भी अशुभ माना जाता है। ईशान कोण बढ़ जाता है तो ईशान कोण अच्छा माना जाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा ईशान कोण से बड़ा हुआ, अब ईशान कोण अगर बढ़ जाता तो अच्छा माना जाता है ईशान कोण। और वायव्य कोण या अग्रण्य कोण या नृत्य कोण बढ़ा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। ये जो उद्देश्य, ये टेढ़े मेढ़े एस शेप के जो प्लॉट है, आधे अधूरे प्लॉट है, ये सारे प्लॉटों में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, ये प्लॉट अच्छे नहीं माने जाते। ये जैसे काकमुखी प्लॉट हो गया, ये मृगित आकार का प्लॉट हो गया, दिस प्लॉट्स आर नॉट कंसिडर्ड गुड, इसमें समस्याएं आती हैं, ठीक सर। ऐसी शेप के लेगा भी कौन, तो अजीब शेप है। बिकते हैं, अगर सस्ता मिल रहा तो ले लो, क्रशिंग कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, अगर मान लो ट्रायंगल शेप मिल रहा है, अगर सस्ता बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो उसको जुड़ी थोड़ी, उसको रेंट पे डाल दो, उसको लेके और ट्रायंगल शेप को लेके उसकी उसको काट दो, इससे काट के उसके क्रशिंग डाल दो, साइडों में जो जगह बच जाए उसको आप किसी और एक्टिविटी में डाल दो, गोदाम वगैरह, शॉप वगैरह कुछ। हाँ जी सर। ईशान कोण कटा हुआ अच्छा नहीं है, नृत्य कोण कटा हुआ अशुभ है, नृत्य कोण
कटा हुआ बड़ा हुआ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव जोन अगर बढ़ गई तो अच्छी बात है, पॉजिटिव जोन कट गई तो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं है। ये आसान तरीका याद करने का, नृत्य कोण बढ़ा हुआ भूकर्ण अशुभ माना जाता है, ये नृत्य कोण बढ़ गया अशुभ माना जाता है। ठीक, कुछ नॉर्थ फेसिंग ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ईस्ट फेसिंग ब्रिंग नेम फेम पोजिशन इन द सोसाइटी। ये मैं आपको डाल दूंगा, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये मैं आपको आपके चार्ट पे आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। रोड अगर वेस्ट फेसिंग है तो एवरेज गुड फॉर बिजनेस, घर के लिए एवरेज है गुड फॉर बिजनेस। अगर साउथ है गुड फॉर बिजनेस लीडिंग टू वुमेन, मतलब लेडीज के लिए अच्छा अच्छा माना गया अगर बिजनेस के लिए साउथ। सो दीज आर दी सम फैक्टर। ये अगर टू साइड रोड है नॉर्थ और ईस्ट, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी गुड, ईस्ट एंड साउथ गुड फॉर फीमेल। ठीक है, रोड साउथ एंड वेस्ट गुड प्लॉट, प्लॉट फेसिंग एवरेज है, दिस इज द एवरेज प्लॉट। द रोड ज्वाइनिंग टू साइड्स वेस्ट एंड नॉर्थ गुड, साउथ एंड नॉर्थ अपोजिट टू इच अदर अगर रोड आया दिया, दिस इज एवरेज नॉट वेरी गुड, बट ईस्ट एंड वेस्ट इज गुड, ईस्ट एंड वेस्ट इज गुड। थ्री साइड रोड नॉर्थ ईस्ट साउथ रोड नॉट फेसिंग थ्री साइड आर एवरेज, दे आर इंप्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग पैसेज टू फोर ऑन फोर्थ साइड। सो तीन साइड वाले रोड जो रोड है ये जनरली इन्होंने बोला यहाँ पे एवरेज कंसिडरेशन में लो, दैट्स हाउ इट इज। प्लॉट फेसिंग थ्री साइड आर एवरेज प्लॉट, दे आर इंप्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग पैसेज ऑन द फोर्थ साइड। इसमें नॉर्थ खुला हुआ है, नॉर्थ में नहीं है, बाकी जगह पे तीन है। This is facing east is not there, baki teen hai pe hai. All four sides are best plot, all four side roads are best plots. Iske chaaron taraf road hai, these are the best, but ye milte nahi hai. T junction plot facing road with T junction is weak. Ab agar ye seedha hit karti hain, jo cheeze seedha hit karti hai plot ko, agar wo main aapko isme ek rule ye bata deta hu, मैंने आपको शुरू में बताया था अष्टक वर्ग का, जिस पॉइंट पे टी जंक्शन हमारे प्लॉट को हिट कर रहा है उस जगह का आपके घर का अष्टक वर्ग निकाल लो। अगर वहां का अष्टक वर्ग की वैल्यू स्ट्रांग है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो पॉइंट पे अष्टक वर्ग की वैल्यू अगर वीक है तो वो जंक्शन जो हिट कर रहा है प्लॉट को वो बहुत डिस्टर्ब करेगा, दिक्कतें पैदा करेगा। ऐसे में टी जंक्शन वाला प्लॉट तो मत लो, नहीं तो टी जंक्शन को शिफ्ट कर दो, एक ऊपर वाला गोल वाला मीरा लगा के उसकी उसकी जो एनर्जी है उसे शिफ्ट कर दो, वहां से हटा दो, शिफ्ट इट। ठीक है, वो जो ऊपर जो मीरा रहा ऐसे गोल वाला, उस बड़ा मीरा लगाओ, उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दो आउट। अगर वो अष्टक वर्ग में उस डायरेक्शन पे अष्टक वर्ग का पॉइंट स्ट्रांग आ रहे हैं तो उसको रख लो, इट वेरी इट इज देन इट हेल्प टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ एनर्जीज। ठीक है, प्लॉट विद डेड एंड वाला इनऑस्पिशियस बोला जाता है, क्योंकि डेड एंड वाला गेन वो एनर्जीज को लेके आ रहा होता है। देखो कंसेप्ट तो सेम ही है, टी एंड टी पॉइंट है, डेड एंड कंसेप्ट इज सेम। डेड एंड वाला भी लास्ट में एनर्जीज को लेके आ रहा होता है, जब एनर्जीज को लेके आ रहा होता है सारी एनर्जीज वहां जाके टकराती है और वो जितनी एनर्जीज को आती है उतनी फोर्स से वो हमारे हिट करती है, फिर वो उसके प्लॉट को अच्छा नहीं माना जाता प्लॉट को। लेकिन अनदर आ गया, आई एम सेइंग अगेन सेम थिंग, इफ द अष्टक वर्ग इज गुड वैल्यूज आर गुड it gives good result, otherwise it gives very bad result. तो इसीलिए आप देखना कभी भी जनरल साधारण बात नहीं होती, लोगों के लिए कई बार टी पॉइंट के प्लॉट और कई बार डेड एंड के प्लॉट बड़े कामयाब होते हैं, उनको बहुत ऊंचाई लेके जाते हैं वो डेड एंड वाले प्लॉट, और कईयों को रोड पे ले आते हैं, क्योंकि उनके चार्ट में क्या दे रहा है वो डिपेंड करता है, चार्ट क्या दे रहा है। ये वास्तु का स्टैंडर्ड कंसेप्ट जो है ना, ये लागू नहीं हो पाता। ठीक है, वास्तु वाला स्टैंडर्ड कंसेप्ट, इसके चार से लिंक करो उसको अष्टक वर्ग से खास तौर से, तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए फायदेमंद है या नुकसान। अष्टक वर्ग इज अ वेरी पावरफुल टूल और बहुत कम लोग अष्टक वर्ग पे काम करते हैं, पता नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज।
उसकी डायरेक्शन इक्वल होती है देयर आर गुड, कोई चार इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, दो डायरेक्शन इक्वल है तो भी अच्छी बात है, फाइनेंशियल देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, गोल्ड इज गुड प्रॉस्पेरिटी देता है, ओवर शेप इज नॉट गुड अनहैप्पीनेस। हेक्सागन प्लॉट जिसकी छह पॉइंट है, दिस इज एक दो तीन चार पांच छह, अगर ये आ जाता है कॉर्नर्स पे आ जाता है तो दिस विल गिव पनिशमेंट, कैन कॉज गवर्नमेंट पनिशमेंट एवरेज। ये व्हील शेप प्लॉट हो गया, लॉस ऑफ वेल्थ बहुत सारे इसमें, ट्रायंगल इज नॉट गुड, सेमी कर्व इज नॉट गुड, आरो शेप इज नॉट गुड, दीज आर ऑल बैड बैड चॉइसेस, दिस शेप इज नॉट गुड, अगेन दिस इज इरेगुलर शेप, सो कटिंग करनी पड़ेगी, इसे काटो यहां से, कट द प्लॉट, ठीक है, और इसको मारुति मारुति यंत्र से या इसके अंदर रुमान यंत्र को दबा देना चाहिए कॉर्नर्स में, टेढ़े मेढ़े स्टार प्लॉट, ये सब टेढ़े मेढ़े प्लॉट जितने भी प्रकार के, दीज आर नॉट कंसिडर गुड, कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो अच्छा बता रहा हूँ, दीज आर ऑल शेप्स एंड साइज नॉट कंसिडर गुड, डबरू शेप, डबरू डबरू इज नॉट कंसिडर गुड, कैटल शेप, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है प्रोस्पेरिटी, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, ईस्ट वाला साइड बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाला साइड बढ़ रहा है, अगेन इसका भी नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, गुड, इसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, प्रोस्पेरिटी हेल्थ, नॉर्थ ईस्ट का बढ़ा हुआ अच्छी बात है, द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज गुड, द एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्ट लीगल इश्यू एक्सीडेंट फायर थेफ्ट, एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्ट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, साइड से साउथ ईस्ट एक्सटेंशन में आ जाता है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, गुड साउथ ईस्ट की एक्सटेंशन अच्छी नहीं मानी जाती, इसी तरह साउथ वेस्ट की एक्सटेंशन अच्छी नहीं मानी जाती, डिस्टर्ब हेल्थ वेल्थ इश्यूज, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सटेंशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड, अनवॉन्टेड एक्सपेंसिव रिलेटेड प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स, ओनली साउथ ईस्ट एक्सटेंशन इज सॉरी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन कंसिडर टू बी गुड, बाकी कोई भी एक्सटेंशन अच्छी नहीं मानी जाती, अगेन ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट बढ़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ प्लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं आता, या ऐसे कट जाएगा, या नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट कटने से कट जाएगा, साउथ ईस्ट के बढ़ने से नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वैसे कटा हुआ है, तो जो कटा हुआ नॉर्थ ईस्ट होगा वो इज नॉट कंसिडर्ड फाइनेंशियल ऑफ इनऑस्पिशियस माना जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, साउथ ईस्ट अगर कट गया, साउथ ईस्ट इज कट गया तो घर की लेडीज के लिए प्रॉब्लम आएगा, आ सकती है यहाँ पे, बट इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया तो इन अदर वे वन साइड इज गुड, बट द अदर साइड लेडीज के लिए प्रॉब्लम करेगा, साउथ ईस्ट कटा हुआ साउथ ईस्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर लेडीज, शुक्र का स्थान है, शुक्र कट जाएगा तो शुक्र के साथ लेडीज को दिक्कत देगा, घर की फीमेल्स को दिक्कत देगा, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का कटना भी इज नॉट, कटा हुआ प्लॉट कटा हुआ कॉर्नर डायगोनल डायरेक्शन कट गया ना तो अच्छी है ही नहीं तरीके से, कटा पिटा प्लॉट जो होते हैं ना वो दिक्कतदायी होते ही है, कैसे मुझे एक्सटेंशन में भी नॉर्थ ईस्ट इज गुड, बाकी दिक्कत ही है, साउथ ईस्ट कट गया लॉस ऑफ एंबिशन वेरियस प्रॉब्लम्स लीगल इश्यूज, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, नॉर्थ वेस्ट कट गया, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है इसका, अगर नॉर्थ वेस्ट कट गया तो भी अच्छा नहीं है, नॉर्थ वेस्ट को यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी गलत लिखा हुआ है, आई डोंट फाइंड, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ विल गिव अ गुड रिजल्ट, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड, कटा हुआ डायगोनल इज नेवर कंसिडर्ड गुड, क्योंकि जब डायगोनल कटता है तो मरम्मत स्थान भी कटता है, इस बात का ध्यान रखना, मरम्मत स्थान भी कटता है डायगोनल के कटने के साथ, तो मरम्मत स्थान का कटने से भी स्थान बढ़ता है घटता नहीं है, दिक्कतें बढ़ती हैं जीवन में, ठीक है, तो इज नॉट कंसिडर्ड गुड, ये कुछ वेरियस शेप एंड साइजेस के प्लॉट्स वगैरह थे जो मैंने आपको शेयर किया आपके साथ, डायगोनल प्लॉट के अंदर कई बार जो है ना डायगोनल
आप लोगों ने देखा होगा कई बार डायगोनल ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर में होता है और जो मेन डायरेक्शन होती है वो कॉर्नर में चली जाती है। जब मेन डायरेक्शन कॉर्नर में चली जाती है और नॉर्थ ईस्ट सेंटर में आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे जो प्लॉट होते हैं वो नॉर्मली जो प्लॉट जिसका नॉर्थ और ईस्ट साइड में चले जाते हैं, ऐसे प्लॉट के अंदर नॉर्थ जो डायगोनल जो मेन डायरेक्शन होती है वो बढ़ जाती है, मेन डायरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, नॉर्मली ज्यादा हो जाती है। ऐसे प्लॉट जो होते हैं वो प्रोफेशनल के लिए अच्छे होते हैं, दे आर गुड फॉर प्रोफेशनल्स। ये बात समझ रहे हो आप मेरी? मतलब कई बार आपने प्लॉट देखा होगा स्क्वायर है लेकिन जो डायगोनल डायरेक्शन है डायगोनल वाली वो सेंटर में है, नॉर्थ साइड में चला गया, ईस्ट एक साइड चला गया, साउथ एक साइड चला गया, वेस्ट एक साइड चला गया, बट सेंटर में डायगोनल डायरेक्शन आ जाती है। तो ऐसे प्लॉट जो होते हैं वो दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल के लिए अच्छी मानी जाती है, बट रेजिडेंशियल के लिए दे आर नॉट कंसिडर वेरी गुड तो प्रोफेशनल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। इफ यू सी दीज आर द डायगोनल प्लॉट लाइक नॉर्थ ईस्ट बीच में आ गया, डायगोनल साइड में आ गए, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट रोड साइड में आ गई, यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट रोड आ गई, तो ये कहता है डायगोनल प्लॉट हैव द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साइड रोड साइड्स। आउट ऑफ दिस प्लॉट विद रोड ऑन नॉर्थ और ईस्ट की जो रोड वाला प्लॉट है वो ऑस्पिशियस है, यानी कि दिस प्लॉट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस, ये वाला साइड का रोड। नॉर्थ एंड वेस्ट ईस्टर्न साइड आर मीडियम, दिस इज एंड दिस आर मीडियम एंड दिस इज गुड फॉर प्रोफेशनल्स, दिस इज गुड फॉर प्रोफेशनल। साउथ वेस्ट वाला साइड का जो रोड का प्लॉट होगा दिस आर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर प्रोफेशनल, ठीक है। ये जो मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा एड ऑन हो गया, यहाँ पे दीज आर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर प्रोफेशनल। नाउ इसी में आगे साउथ ईस्ट रोड, साउथ ईस्ट रोड का रेजिडेंस किसके लिए अच्छा ज्यादा है? रेजिडेंस, होटल, होटल्स, कोर्ट, बिजनेस रन बाय वुमेन, एंटरटेनमेंट, फैक्ट्रीज आर गुड। नॉर्थ ईस्ट रेजिडेंस, टेम्पल, स्कूल, लाइब्रेरी, शॉप, फैक्ट्रीज गुड। साउथ वेस्ट हार्डवेयर टाइप टाइप परमिट परमिट रूम, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक्स गुड। नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर, इम्प्लांट, शो रूम ऑफ व्हीकल, गैरेज वगैरह, ये इनके लिए दीज आर कंसिडर गुड प्लॉट्स। तो ये डायगोनल प्लॉट इन एरिया में मैं सारी स्लाइड डाल दूंगा, ये आई विल पुट ऑन द ग्रुप, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको इनको, आई विल पुट एवरीथिंग ऑन ग्रुप। ये भी डायगोनल के ऊपर ही है, अगेन डायगोनल वी हैव कवर्ड इट, तो इसमें कुछ खास ऐसा मुझे लग रहा नहीं है। ये दिस इज डायगोनल, डायगोनल दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट आउट, ठीक। डायगोनल प्लॉट्स में the north angle of a diagonal plot is 82 and the eastern is 920 leads to increase in wealth but the fame is limited. North angle is 880 and the eastern angle is 920, it leads to increase in wealth but the fame is limited. In such a case it's essential that the southern and western angle should be 900. Okay, north agar bada hoga to it is good for wealth but wo keh raha fame, क्योंकि ईस्ट से फेम आता है, मतलब इस बीत को अभी आप बड़ा आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, अच्छे बात है ये देखने के लिए। नॉर्थ बढ़ गया, डायगोनल प्लॉट का नॉर्थ बढ़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि नॉर्थ जैसे पैसा तो आ जाएगा लेकिन क्योंकि ईस्ट कट गया, ईस्ट से नेम एंड फेम को देखा जाता है, रिकग्निशन दिखी जाती है, वो वैल्यूज यहाँ पे वीक हो जाएंगी, वो वैल्यूज यहाँ पे वीक हो जाएंगी, इसी यहाँ से ये बढ़ जाता है। तो ऐसे में सोशल नेम पब्लिसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन वेल्थ में कमी आ जाएगी। मनी मनी अर्न डज नॉट स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम, मनी अर्न डज नॉट स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक। ये बड़ा आसान तरीका है देखने का, मतलब इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी ये नॉर्थ ईस्ट बढ़िया, दिस इज गुड, नॉर्थ ईस्ट बढ़िया, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ, इट इज गुड इफ गिव राइजिंग पर्सन स्टेइंग इन सच ए प्लॉट facing instability, he follows keep changing away, many professional wealth is earned but does not stay long. Okay,
इसके केस में ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट रिड्यूस्ड, नॉर्थ एंड ईस्ट इज रिड्यूस्ड, नॉर्थ ईस्ट इज इंक्रीज। वो ये कह रहा है कि ऐसे केस में क्योंकि धन की दिक्कत आ सकती है इसको, इसको धन की दिक्कत आ सकती है, नेम फेम की दिक्कत आ सकती है, कट गया ये दोनों एरिया कट गए, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ए पर्सन स्टेइंग सच ए प्लॉट फेस इंस्टेबिलिटी, वेल्थ इज अर्न्ड बट डज नॉट स्टे लॉन्ग, शुड नॉट बी परचेज, इफ एट ऑल इट इज परचेज इट इज एसेंशियल टू बी मेक टू द अदर साइड इज 90 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट कड़िया, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ इज नॉट गुड, नॉर्थ ईस्ट इज टोटली लीड्स टू ए मेनी क्लाइमेटीज, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नॉट गुड। ये काफी सारे प्लॉट्स के हमने डिजाइन देख लिए, हमने इसको थोड़ा सा ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक कल दो तीन टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक होंगे, लेट मी सी कि कौन कौन से टॉपिक छोटे छोटे बच रहे हैं, वो हम कल कवर कर देंगे सारे।